नमस्ते पवन जी। तो नमस्कार। हम लोग अब थोड़े गैप के बाद मिल रहे हैं। पिछली बार जब मिले थे तो धर्मपाल जी पे बात की थी हमने और करीब 1 घंटा उन पे बात करी, लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई। तो धर्मपाल जी पे ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी चर्चा उन्हीं पे करते हैं आगे। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि धर्मपाल जी से मिलने के बाद उनके सानिध्य में आपकी दृष्टि में कैसा परिवर्तन आया? पहले आप कैसे देखते थे जीवन को या दुनिया को, और उनसे मिलने के बाद उनके सानिध्य से क्या परिवर्तन आया जिस तरह से अब आप देखने लगे चीजों को, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। देखो, सारा मामला तो परसेप्शन का ही है ना। हम लोग जो दिखता है, जो भी है, उसको की मेक सेंस आउट ऑफ इट, जो भी कुछ दिखाई देता है, चाहे वो व्यक्ति हो या इवेंट हो या सिचुएशन हो या कोई स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, तो मनुष्य उसका उसको अपने हिसाब से उसको देखता है, उसको एनालाइज करता है, उसको समझने का प्रयास करता है। और उसको सही समझ लेता है तो बढ़िया बात है, और बहुधा ये भी होता है कि वो जो देखता है उसके देखने के बहुत सारे अलग अलग पहलू हो सकते हैं, यही बात है, उसको समझ में नहीं आती है, तो जो जो उसको दिखाई देता है उसी को सही मान लेता है। धर्मपाल जी से मिलने के बाद मैं जो भारत के साधारण को, चीजों को, समाज को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की हिस्ट्री को जिस तरह से देखता था, विगत को, हिस्ट्री नहीं कहना चाहिए, यहाँ के विगत को जिस तरह से देखता था, उसमें ये समझ में आया कि इसको देखने के दूसरे तरीके भी, दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है, अलग तरह से भी देखा जा सकता है। और ये चुनाव हमारा है कि हम इन विभिन्न विकल्पों में से किसको सही माने या ज्यादा सही माने, या ज्यादा वो और चीजों के साथ उसका मेल अलाइनमेंट होता है, ये सब चीजें समझ में आने लगी। उनसे मिलने के पहले तो वैसी ही समझ थी मोटी मोटी, जैसी कि एक साधारण पढ़े लिखे आदमी की अपने हमारे समाज के बारे में, हमारे विगत के बारे में होती है। उसमें आइडियोलॉजी के फर्क हो सकते हैं, लेकिन परसेप्शन, जो मोटा परसेप्शन होता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें ये मान लिया जाए, उसमें बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, और उन मान्यताओं के प्रति हमारा ध्यान भी नहीं होता कि ये हमारी मान्यताएं हैं, या अगर है भी तो उन मान, अगर ये ध्यान है भी कि ये हमारे अजम्पशंस हैं, ये हमारी मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं को सच ही मान लिया जाता है, यानी उस पर कोई प्रश्न उठ सकता है इसकी संभावना भी नहीं रहती। तो धर्मपाल जी से मिलने के बाद मेरी बहुत सारी मान्यताएं टूटी, अपने बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, विगत के बारे में, बहुत सारी, वेस्ट के बारे में बहुत सारी मान्यताएं टूटी। ये जरूर कहूंगा कि शायद धर्मपाल जी से मिलने के पहले कहीं अनजाने में थोड़ी बहुत मेरी तैयारी हो गई थी, जिसकी वजह से ये मान्यताएं जल्दी टूटी होंगी। वो तैयारी इसलिए शायद हुई कि एक डॉक्टर लोहिया की वजह से, जो जिसका जिनका बहुत बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर और मेरे परिवार पे था, एक क्या कहूँ उसको, एक रेबेलियन या एक चीजों को
क्वेश्चन करने की एक आदत, और जो बना बनाया है, जो माना गया है, उसको तुरंत मान लेने में थोड़ी आसानी से ना मान लेना, ये सारी चीजें मेरे को कहीं अचेतन में रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अब तो जब धर्मपाल जी की बातें सुनी तो ये काम थोड़ा जल्दी हो गया, जो शायद अगर ऐसा न होता तो मुझे शायद और टाइम लगता, पर धर्मपाल जी की वजह से एक दृष्टि में बहुत बड़ा बदलाव आया। और दृष्टि के प्रति कि दृष्टि चीज होती है, कोई दृष्टि से ही हम देखते हैं, इसके प्रति एक एक अवेयरनेस हमें डेवलप हुई। सबसे बड़ी तो बात ये हुई एक मोटे तौर पे। और अगर उसको और स्पेसिफिक करूं तो सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि भारत के साधारण के प्रति, और ये साधारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये साधारण एक कलेक्टिव साधारण है, इस साधारण में उसकी सोच, उसके सोचने का तरीका, उसकी मान्यताएं, उसके पास जो ज्ञान और विज्ञान है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, उस ओर ध्यान गया, उसके तौर तरीकों पे ध्यान गया, और उसका जीवन में कितने सारे मूल्य, वो मूल्यों के साथ वो जीता है साधारण, और जिसकी वो चर्चा नहीं करता ज्यादा, माने उसके लिए वो झगड़ता नहीं है, बस वो जीता है उस प्रकार से सहज रूप से, और उस पर ध्यान गया। और साथ साथ हम पढ़े लिखों के साधारण अपने जो रोजमर्रा का जीवन है उस पर ध्यान गया। और जब इन दोनों की तुलना की तो मैंने पाया कि हमसे मूल्यों के आधार पे और जिन चीजों को हम चिल्ला चिल्ला कर, पढ़े लिखे लोग जिन चीजों की बात करते हैं पब्लिक फोरम्स में, उस उन सब आयामों में, उन पैरामीटर्स में साधारण कहीं ऊंचा है पढ़े लिखों से, पर वो बात नहीं करता है, उसके बात करने के तरीके अलग हैं, हम लोगों के बात करने के तरीके अलग हो गए, हमारे idioms अलग हो गई, हमारी स्टाइल अलग हो गई, हमारा मेटाफर अलग हो गया, हमारा हमारे बात करने में एक ट्रांजैक्शनल स्टाइल आ गई है, कोई प्रश्न करता है हम उसका उत्तर देते हैं, और बातचीत में भी एक आर्गुमेंटेटिव मोड रहता है, तर्क और वितर्क वाला मोड ज्यादा रहता है पढ़े लिखों के बीच में, अनलेस कि वो गप मार रहे हो, और एक वन अपमैनशिप वाली भी कहीं ना कहीं बात रहती है, एक दिखावे वाली बात भी रहती है, बहुत सूक्ष्म रूप में रहती हो लेकिन रहती है, हम ये दिखाना चाहते हैं आपस की बातचीत में कि हम कितना जानते हैं, या हम कितने ज्ञानी हैं, या हमने क्या क्या पढ़ रखा है, और हमने कौन सी किताबें, कौन से ऑथर्स को पढ़ रखा है, ये कहीं हम बहुत एक उसको बताते हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताते हैं, तो उसमें एक वन अपमैनशिप का गेम भी चलता है, और बात करने का जो तौर तरीका है वो तर्क वितर्क वाला ज्यादा है। और जैसे कि हमको कोई पॉइंट स्कोर करने हैं दूसरे के साथ, और हमको उसको बताना है कि मैं कितना तुमसे ज्यादा जानता हूं, और क्वेश्चन आंसर, जैसा मैंने कहा कि एक क्वेश्चन और उसका आंसर, और उस लकीर पे फिर चलती जाती है बात। ये जो साधारण है इसके बात करने का तरीका अलग है, ये तर्क वितर्क नहीं करता ज्यादा, अगर आप उससे तर्क करने लगेंगे तो मुमकिन है कि वो विड्रॉ कर जाएगा, वो आपसे तर्क नहीं करेगा, वो या तो चुप हो जाएगा या बात को बदल देगा, तो उसका ये स्टाइल नहीं है, ना ही उसका स्टाइल क्वेश्चन आंसर वाला है, अनलेस कि बहुत ही जरूरी हो, किसी से पता पूछना हो कि बे भाई साहब यहाँ जाना है, बताइए कहाँ पे है ये जगह, इस तरह के क्वेश्चंस तो वो पूछ लेगा, लेकिन जो हम आपस में बातचीत करके एक दूसरे को समझने की जो चेष्टा होती है, उसमें दो चार क्वेश्चन शुरू के वो कर सकता है, आप कहाँ से आए,
किस जाति के हैं, क्या करते हैं, पर इसके बाद वो इस स्टाइल में बात नहीं करता। वो बात से बात जोड़ता है, वो कहानी नुमा अंदाज में बात करता है। तो आप कुछ अपने अनुभव उसको बताते हैं जीवन के किसी भी आयाम में, चाहे वो भोजन के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, राजनीति के बारे में हो, समाज के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो, कुछ संबंधों के बारे में हो, कुछ भी हो, आप अगर उसको अपने अनुभव बताते हैं तो वो उन अनुभवों को अगर उसको लगता है कि हाँ ये बात उसको समझ में आई, पकड़ में आई, तो वो उससे जोड़ करके कुछ अपने अनुभव बताता है। तो वो एक जैसे नदियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं, उस तरह के अंदाज में वो बात करता है, वो टकराव के अंदाज में बात नहीं करता। तो कई बार ये भी होता है कि हम लोग जब उनसे बात करते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, खास करके रिसर्च वाले लोग जब हमारे साधारण से बात करते हैं, तो वो एक प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर उनको अपेक्षित रहता है कि उत्तर ये उस तरह से दे जैसे कि वो अपने पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात करते हैं, और उसको पता ही नहीं है कि वो वैसे उत्तर देने को नहीं, वो उसके उसके आदत नहीं है, इसकी अवेयरनेस भी नहीं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, ये हुआ मेरे साथ, कि हमारा साधारण कैसे, उसकी दुनिया कुछ अलग है और हमने उस दुनिया को, हमने अगर कभी कभी हमको झलक भी मिलती है तो शायद हम ये मान लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है इस वजह से ऐसे है, और वो उस बात में कुछ सच्चाई भी होगी, लेकिन उस पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए ऐसा है कि साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि ये सोचने का ढंग ऐसा ठीक नहीं। तो इसमें दो, एक किस्सा मैंने कई बार मैं सुनाता हूँ, वो गांधी जी वाला, जब वो ट्रावणकोर जा रहे हैं राजा से मिलने दक्षिण में, और जब वो रास्ते में गाड़ी रुकवाते हैं और एक किसान के पास जाके पूछते हैं कि भाई तुम्हारे राजा का नाम क्या है, और किसान अपना काम धंधा छोड़ के आसमान की तरफ देखता है और बोलता है भाई राजा का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन असली राजा तो वो है। तो ये जो ये उसका, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम इस उत्तर को, ये प्रश्न और ये उत्तर अगर सुने कि तुम्हारा राजा का नाम क्या है, ये प्रश्न हुआ गांधी जी का, और किसान का उत्तर है पता नहीं कौन है लेकिन असली राजा तो वो है, इसको अगर हम सुने तो हम ये मानेंगे कि ये मतलब इसको जानकारी नहीं है, देखो अपने राजा का नाम भी नहीं जानता, इसको इतनी भी जानकारी नहीं है, और इसको तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। पर गांधी जी उसको ऐसे प्रोसेस करते हैं कि देखो ये कितना, ये अंदर से ये परवाह नहीं करता अपने राजा की, इसके लिए राजा कोई बड़ी चीज नहीं है, असली राजा तो वो है। तो वो इसको इस तरह प्रोसेस करके उसमें से एक निष्कर्ष भी निकालते हैं कि इस आदमी को निडर बनाने में बहुत आसान है, इसको निडर बनाने, ये पहले से निडर है क्योंकि अपने राजा की भी परवाह नहीं करता। ये उनकी प्रोसेसिंग है, सही है गलत है इस पे हम नहीं जाएंगे। हमारी प्रोसेसिंग सिर्फ इतनी होती है कि देखो इसको इतना भी नहीं पता कि अपने राजा का भी नाम नहीं जाना। अब मैं तुमको दूसरा किस्सा मेरे साथ हुआ वो बताता। मैं एक बार, मैं मसूरी में रहता हूँ, मसूरी से मैं केम्प्टी जा रहा था, और उस स्कूल का कुछ काम था, मैं जा रहा था, रास्ते में एक स्थानीय मंदिर है, वहीं के लोकल लोग वहां जाते हैं, बहुत छोटा सा सुंदर सा मंदिर हुआ करता था एक जमाने में, भूकंप में टूट टाट गया तो अब दूसरी तरह का मंदिर बन गया है उसी जगह। तो वो मंदिर के नीचे से सड़क जाती है, मैं जा रहा था तो वहां मंदिर के पुजारी की पत्नी खड़ी थी सड़क पे, और उन्होंने मेरे से लिफ्ट मांगी, तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी, बोले कि भाई साहब मुझे केम्प्टी जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है, गाड़ी में बैठ गई। तो रास्ते में 15-20 मिनट का फासला था, तो बातचीत होने लगी, तो मैंने पूछा कि कैसे जा रही है केम्प्टी, बोले नहीं आज मतदान है ना तो मतदान मत दे देना, ठीक है। तो मैंने फिर ऐसी जिज्ञासावश और कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए पूछ लिया आप किसको देंगी। तो मुझे तो ये अनुमान था कि वो बोलेगी कि भाई अब ये तो अब हमारा मामला है, हम आपसे आपको क्यों बताएं, या हम फला आदमी को मत देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोलेगी। वो क्या बोलती है कि मैं वहां जाऊंगी और ये देख पहले देखूंगी कि कौन सा उम्मीदवार जीतने की उस
उम्मीद है किस उम्मीदवार की, बूथ को देखूंगी, बाहर में बूथ लगे होते हैं अलग अलग उम्मीदवारों के पार्टियों के, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होगी उसी को मत दूंगी। वो बोले इसका क्या मतलब, मतलब अगर कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस को और बीजेपी का होगा तो बीजेपी को। बोले हाँ। तो मैंने बोला ऐसा कैसे, तो वो जो उत्तर था वो आज तक मैं उस पर सच बोल रहा हूं, मैं मतलब झन्ना गया। उसने कहा मत दान देने जा रही, दान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो जिस आदमी को जीतने की उम्मीद है उसको अगर मैं देती हूं अपना मत तो वो सार्थक होगा वो दान, और अगर वो हारने वाले को मैंने दे दिया तो वो निरर्थक हो गया मेरा दान, फालतू गया वो। इसलिए मैं मतलब उसके दिमाग में दान है, प्रमुख शब्द दान है। हमारे दिमाग में भले ही हम मतदान बोले या मताधिकार बोले, हमारे दिमाग में अधिकार राइट, उसके दिमाग में दान है। ये हमारा साधारण आदमी ये आज भी, उसका दिमाग दूसरी तरह चलता है और उसकी हम खिल्ली उड़ाते हैं। उसको दान के दिमाग से हम अधिकार के दिमाग में लाने का हमारा शिक्षा का प्रयास है, हमारे सिस्टम्स का प्रयास है। तो धर्मपाल जी के साथ ये किस्सा बाद में हुआ, उनके जाने के बाद। मैं ये बता रहा हूं उनकी वजह से जब उसने ये बात कही मैं इसको अप्रिशिएट कर पाया। अगर ये धर्मपाल जी के का संसर्ग मुझे नहीं मिला होता तो मैं गांधी जी वाला किस्सा भी और ये किस्से में भी मैं बोलता देखो कितने इसको तो समझ में आना चाहिए अधिकार की बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकार की बात समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मेरा ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे है कि हम कम से कम अप्रिशिएट तो करें इतनी ऊंची बात जो हमारे समाज में व्याप्त है कि दान को कितना ऊंचा मानते हैं और दान की परंपरा वाले लोग हैं। तो हमारा जो धर्मपाल जी ने मुझे, वो भारतीय स्वभाव की बात करते थे, भारतीय चित्तमानस काल जो उनका लेख है उसमें भी ये बहुत प्रमुखता से आया है कि भारतीय स्वभाव। अब ये स्वभाव जो धर्मपाल जी कह रहे हैं भारतीय स्वभाव, भारत के साधारण का स्वभाव, ये क्या है भारत के साधारण का चित्त, वो कैसे उसका परसेप्शन क्या है, वो देखता कैसे है चीजों को, जो मैंने शुरू में बात की दृष्टि कैसी है उसकी, हाउ डज ही प्रोसेस थिंग्स। वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को किस नजर से वो देखता है, किसी भी चीज को किस नजर से वो देखता है, वो नजर में हम उसको एकदम रद्दी की टोकरी में हम फेंक देते हैं। मैं जब उनके साथ कुछ साल बिताए तो मैं अप्रिशिएट करने लगा और मैं तुलना करने लगा जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट तो मैं हूं ना, पढ़ा लिखा आदमी, और एंड प्रोडक्ट वो साधारण है, और एंड प्रोडक्ट इन टोटैलिटी दैट साधारण इज अ फार बेटर ह्यूमन बीइंग देन आई द एजुकेटेड। वो ज्यादा वो झूठ जब बोल, वो ऐसा नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो भी कभी कभी झूठ बोल देता होगा, लेकिन वो झूठ बहुत मुश्किल से बोलेगा, एक मजबूरी में बोलेगा। हम लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। तुम बायोडेटा देखो आज के लड़कों लड़कियों का, मैंने बहुत सारे देखे, उसमें इतनी अतिशयोक्ति, मैं उसको झूठी बोलूंगा ना, आपने एक कॉन्फ्रेंस में गए, एक सेमिनार में गए और आपने उसको बड़े बढ़ा चढ़ा करके अपने बायोडेटा में लिख दिया, और कहीं लगता नहीं है क्योंकि ये सभी कर रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ गलत किया है। वो साधारण जब कुछ झूठ बोलता है तो उसको कहीं उस ग्लानी होती है, हमको तो ग्लानी भी नहीं होती। तो जो मूल्य वो अपने पड़ोसी को, अपने दूर के रिश्तेदार को जिस आसानी से, जिस सहजता से उनके लिए वो खड़ा रहेगा तकलीफ में, उनके पैसे की मदद हो, समय की मदद हो, उनकी सेवा करनी हो, उसको इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, वो सहज रूप से ये सब कर रहा है। हम तो बहुत सारा हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है और हम अक्सर उससे बच जाते हैं,
कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दे देते हैं। तो बहुत सारे जीवन के आप आयामों से अगर इस चीज को देखें, कंपेयर करें उस साधारण को पढ़े लिखे से और खुद को रखें सेंटर स्टेज पे, तो आप पाएंगे कि वो चीजें जिस जो जितनी आसानी से कर लेता है, जिसको आप अच्छा काम बोलते हैं, अच्छी चीज बोलते हैं, आप नहीं कर पाते। तो इन चीजों पे जो नजर मेरी जाने लगी, ये इसका श्रेय पूरी तरह से धर्मपाल जी को, धर्मपाल जी के मार्फत गांधी जी को जाता है कि मैं, और फिर वो ये भी बोलते थे कि भाई ये देखो ना, ये तो 500 साल से 1000 साल से अपनी एक जिंदगी चला रहे हैं। वो गांधी जी भी कहते हैं स्वराज कि ये 1000 साल से उसी झोपड़ी में रहते हैं, 1000 साल से वही हल चला रहे हैं। तो ये इस गांधी जी इसके आगे जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये इसलिए नहीं कि ये बेवकूफ है, उनके शब्द कुछ और है, ये नहीं कि बेवकूफ है या इनको आता नहीं है, ये इसलिए कि इन्होंने समझा है कि ये ठीक है भाई, शहर की बनस्पत गांव ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ियां होंगी लेकिन शहर में जितनी गड़बड़ों की संभावना है उतनी गांव में नहीं हो सकती। इसलिए ये एक तरह से एक सोचा समझा डिसीशन है। और आज धर्मपाल जी क्या करते थे, जैसे आज आधुनिक आदमी रहता है कितने साल इस तरह से रह लेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल रह लेगा और 20-25 साल और जो इस तरह की जिंदगी, तो जिसको आजकल हम अनसस्टेनेबल बोलते हैं वो तो अनसस्टेनेबल है। उनकी जिंदगी तो सस्टेनेबल है, उन्होंने सारे जंगलों के साथ एक तादाद में बैठाया है, उन्होंने जानवरों के साथ एक तादाद में बैठाया है, पेड़ पौधों के साथ, नदियों के साथ, नालों के साथ, तालाब के साथ। हम प्रदूषण की बात करते हैं और उनको सिखाने जाते हैं ये मत करो वो मत करो, प्लास्टिक मत फेंको, पर प्लास्टिक बनाया किसने? तो इस तरह की जो एक दृष्टि में हमारा परिवर्तन आया वो तो धर्मपाल जी की वजह से आया। बहुत बड़ा एक सम्मान, और ये तो शुरुआत थी, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि धर्मपाल जी टीचर उस तरह के नहीं थे कि आपको कोई चीज सिखा दी और समझा दी, तो बात करते करते आपके कुछ चीजें आपके नजर में आने लगती थी। तो जब ये हुआ, इससे बड़ी बात हुई मेरे जीवन में, क्योंकि जब ये हुआ कि भाई ये साधारण जीवन मूल्यों के आधार पे एक मानवीय दृष्टि से ये हमसे बेहतर है, हम मतलब मैं नहीं, सभी पढ़े लिखे, एक जनरल मैं बात कर रहा हूं, ऑफकोर्स को बहुत सारे पढ़े लिखे बहुत अच्छे मूल्यों के साथ जीते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, जनरल बात कर रहा हूं, और ये भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये साधारण मैं जनरल बात कर रहा, वो कम नुकसान करता है पर्यावरण का या बिल्कुल नहीं करता, वो कम पैसे में ज्यादा अच्छी जिंदगी जीता है, हम बहुत पैसे लगा के भी वैसी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, हम ज्यादा वेस्ट करते हैं, ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, इत्यादि इत्यादि हर दृष्टि से। और मूल्यों की बात तो मैंने पहले की है, वो मूल्यों के साथ जी पाता है, हम नहीं जीते। तो जब मैंने इन दोनों को ये पाया कि वो हमसे श्रेयकर है, ये मेरा निष्कर्ष था, मैं सब पे थोप नहीं रहा हूं, तो मैंने ये बोला कि भाई मेरे फर्क क्या है मेरे में और उसमें, मैं पढ़ा लिखा हूं वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये फर्क तो है, तो ये हुआ क्या है? तो इसकी तह में जब मैं गया तो मैंने पाया कि मेरे में फेथ नहीं है, मेरे में फेथ नहीं है और इसमें फेथ है, आस्था है, इसमें श्रद्धा है, इसमें आस्था है, और मैं आस्था विहीन हूं, मैं श्रद्धा विहीन, मेरे को किसी चीज में श्रद्धा नहीं है। मैं जब कह रहा हूं तो अगेन मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, मेरे को मैं विज्ञान पे अंधविश्वास करने लगा, और मैं बहुत सोच समझ कर ये शब्द यूज कर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा साइंस नाम की चीज पे अंधविश्वास करने लगा हूं, और मुझे ये पता भी नहीं है, खतरा यहां है कि मुझे ये पता भी नहीं है कि मैं साइंस नाम की चीज पे अंधविश्वास करता हूं। मैं अपने को रैशनल बीइंग मानता हूं, मैं अपने को रीजनिंग और लॉजिक वाला मानता हूं, मैं अपने को सोच समझ कर जानने वाला मानता, और मैं ये मानता हूं कि ये बिना सोचे समझे अंधविश्वास करता है ईश्वर में या परंपरा में इत्यादि इत्यादि।
पर वो भी विश्वास करता है, मैं भी उतना ही विश्वास, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं उसके ऊपर, उसकी रिपोर्ट पर, उसकी दवाइयों पर, मेरा पूरा का पूरा, मैं कुछ नहीं जानता परंतु मैं विश्वास करता हूं। ये विश्वास वैसा ही है जैसा कि वो किसी, मान लो वो किसी झाड़ फूंक वाले के पास जाता है, तो वो झाड़ फूंक वाले पे विश्वास कर रहा है, मैं भी डॉक्टर पे विश्वास कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या छानबीन कर रहा है, क्या उसकी डायग्नोसिस है, वो कैसे उसकी डायग्नोसिस है, कैसे क्यों वो दवाइयां दे रहा है जो दे रहा है, तो वो भी नहीं जानता। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि आप डॉक्टर, मैं, मेरा अंदर में कुछ ऐसा चलता है कि मैं ये मानता हूं अपने बारे में कि मैं जानता हूं कि ये डॉक्टर जो है, ये जो मैं एक्ट कर रहा हूं ऑफ विजिटिंग द डॉक्टर, ये एक साइंटिफिक एक्ट है, ऐसा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है। और वो जो कर रहा है उससे अगर तुम पूछो कि भाई तुम इधर क्यों जा रहे हो, तो वो साफ साफ बोलेगा कि हम ऐसा मानते हैं कि उधर जाके ठीक हो जाता है। वो ये शब्द यूज करेगा कि मैं ऐसा मानता हूं या हम ऐसा मानते हैं। मैं भी मानता ही हूं, लेकिन मेरे, मैं भ्रम में हूं कि मैं जानता हूं। ये जो मानने और जानने का फर्क है, ये महत्वपूर्ण फर्क है। वो भी मान के कर रहा है, लेकिन वो ये मानता है कि मैं मान रहा हूं। मैं भी मान के कर रहा हूं, लेकिन मैं इस भ्रम में हूं कि मैं जानता हूं। ये पढ़े लिखे में बहुत बड़ा एक, मतलब ये तो एक तरह से एक सीढ़ी हम नीचे चले गए कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों में विश्वास करते हैं, हम टीवी में विश्वास करते हैं, हम खबरों में विश्वास करते हैं, हम चाहे राइट विंगर हो, लेफ्ट विंगर हो, इधर वाले होंगे तो इन अखबारों को विश्वास करते हैं, उधर वाले होंगे तो दूसरे कुछ अखबारों को विश्वास करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स को विश्वास करते हैं, कुछ व्यक्तियों को विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं, जानते नहीं है। पर हम जब बात करते हैं तो हम इस, हमारा जो पॉस्चर होता है वो ये होता है एज इफ वी नो, ये भ्रम पाले हुए हैं कि हम जानते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि भाई ये फला आदमी ने, फला अखबार ने, फला जगह छपा है तो ये सही होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये कॉग्निजेंस नहीं है, है ना, उसके है। वो बोलेगा फला आदमी ने कही है ये बात, हमारे पिताजी कह गए हैं, या हमारे यहां ऐसा होता रहा है इसलिए हम, उसको मानने से कोई तकलीफ नहीं। हम मानते हैं पर हमको मानना कहने में हमारी नाक नीचे होती है। तो ये जो फर्क है, ये मेरे को धीरे धीरे धर्मपाल जी के ने जो शुरुआत की उसका ये प्रतिफलन हुआ कि मैं इस तरह से चीजों को देखने लगा कि आधुनिक आदमी भी उतना ही मान रहा है दूसरी चीजों को, मान बोला आज का भगवान साइंस हो गया, है ना, और ये नहीं देखता वो कि ये साइंस रोज अपनी थियोरीज बदलता है, और एक्चुअली वो देख रहा है, पढ़ा लिखा ये भी देख रहा है कि रोज थ्योरी बदलती है, साइंस की थ्योरी बदलती है, मेडिकल साइंस में थ्योरीज बदलती है, दवाइयां बदल जाती हैं, दवाइयां बैन हो जाती हैं, नई दवाइयां आ जाती हैं, अभी ये कोरोना में वैक्सीन आएगा, इसका 2 महीने का भी ट्रायल नहीं हुआ होगा, सब लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमको दो, हमको दो, हमको दो, और ये नहीं सोचेंगे कि 10 साल बाद इसका कुछ विपरीत परिणाम भी आ सकता है। और आयुर्वेद की दवाई लेने में उनको दिक्कत है जिसका हजारों सालों का टेस्ट, ट्राइड एंड टेस्टेड है, है ना। तो ये आधुनिक आदमी का अहंकार बहुत बड़ा है, उसको अहंकार कूट कूट के मिला है कि मैं जानता हूं, और ये जो साधारण है उसमें अहंकार नहीं है। तो ये चीजें, ये सारी चीजें मुझे धीरे धीरे समझ में आई। और ये जो आस्था की बात मैं कह रहा था, आस्था का जो फर्क है हमारे में और उसमें, ये मुझे समझ में आया। और फिर एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हुई, मैं बोला मैं अपने में इसके पास आस्था है, मेरे पास आस्था नहीं है, मैं कैसे आस्थावान बन सकता हूं। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आज सोचूं और मेरे में आस्था आ जाए, ऐसे तो नहीं है भाई। बचपन से इस तरह के संस्कार मिले हैं कि
ऐसे संस्कार मिले हैं कि मैं आस्था विहीन हूं, तो करूं क्या? तो मैंने, मेरा ध्यान गया अनिश्चितता पे, अनसर्टेनिटी पे। अनसर्टेनिटी पे मैं पहले भी बहुत सोचता रहा हूं, हाइजेनबर्ग, मतलब फिजिक्स के पढ़ते दौरान भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इस पे मेरा थोड़ा हमेशा से रुचि रही है कि भाई एक तरफ तो अनसर्टेनिटी है ना, अभी तक वो वेव पार्टिकल फेमस एक एक्सपेरिमेंट है कि आप जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसको आप एक तरह का एक्सपेरिमेंट करें तो वो वेव की तरह दिखते हैं, और दूसरी तरह का एक्सपेरिमेंट करें तो वो पार्टिकल की तरह अपना बिहेवियर कर लेते हैं। तो जैसे जैसा आपने एक्सपेरिमेंट सेट किया उसी के हिसाब से वो अपना उसका रिजल्ट आने लगता है। तो रिजल्ट क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट जैसा आपने एक्सपेरिमेंट सेट किया वैसा आ जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात हो जाती है वहां पे। तो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग हमेशा से लगा है। तो मेरा अनसर्टिनिटी पे गया और फिर मैंने देखा कि अनसर्टिनिटी इज ओमनी प्रेजेंट। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यू नो। तो व्हाट डज इट मीन कि भाई ये जो डेढ़ फुट का फासला है बिटवीन द कप एंड द लिप, इसमें ये कभी भी स्लिप कर सकता है। देयर आर मेनी अ स्लिप्स, ये स्लिप कभी भी कर सकता, मतलब इट्स ऑल वेरी अनसर्टन, एवरीथिंग इज अनसर्टन। एंड तो दैट ये नेगेटिव कॉनोटेशन इसमें से निकलता है, लेकिन ये दोनों तरफ है। कभी कभी चीजें हम पूरी प्लानिंग, पूरी बहुत केयरफुल होकर के हमने कुछ योजना बनाई और नहीं होती, और बाद में जब हम उसका रिव्यू करते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये तो ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो पहले नहीं, पहले उसको अकाउंट फॉर कर ही नहीं सकते थे आप। ये क्योंकि अनसर्टेनिटी इज ओमनी प्रेजेंट। और दूसरी तरह की भी बात होती है कि आपने चीजें हो जाती हैं जैसा आपकी मतलब चाहते हैं, उससे भी बेहतर कोई रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो दोनों तरफ से बात, ये अच्छे और बुरे की बात नहीं हो रही है, ये जो एलिमेंट है अनसर्टन है ये हमेशा रहता है। इस पर ध्यान गया कि इस देयर इज नो वे कि आप इसको एलिमिनेट करते किसी भी, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड की बात हो या अपने अंदर की बात हो। हम बैठे हैं और एक विचार कौंधा, एक विचार आया और आपने उस विचार को पकड़ करके कुछ उसको आगे ले गए और उसका रिजल्ट 5 साल, 10 साल, 2 साल, 2 दिन बाद बहुत अच्छा आ जाता है, या बहुत मतलब अच्छा और बुरा छोड़ दें, कुछ ऐसा आ जाता है जो बहुत आपके जीवन को में एक बहुत उसका रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, ऐसा हो जाता है। वो विचार की ओरिजिन कहां से है आप नहीं पकड़ पाएंगे, कहां से आया, क्यों आया, हमारी और आपकी बात हो रही है उसमें से कुछ ऐसी बात निकल जाती है कभी कभी कि वो आपके जीवन को और मेरे जीवन को प्रभावित कर देती है बहुत बड़े तरीके से, उसके लिए आपने कुछ सोचा नहीं था। तो ये अगर आप जब देखने लगते हैं तो आपको दिखाई देने लगता है कि ये अनसर्टेनिटी इज हर जगह व्याप्त है, अंदर बाहर की दोनों दुनिया में। और दूसरी तरफ फिर ये ध्यान गया कि जिस प्रकार अनसर्टेनिटी ओमनी प्रेजेंट है, हर समय व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, वैसे ही अज्ञात अननोन भी व्याप्त है। निजी जीवन में भी हमको पता नहीं रहता बहुत सारी चीजें, फिर हमको पता चल जाता है। मामूली से बात लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात तक ये लागू होता है, हमको मालूम नहीं है और फिर मालूम हो गया। तो जब मालूम हुआ उसके पहले जो मालूम हुआ था वो अज्ञात के क्षेत्र में था, और ये रोज होता है हमारे साथ, राइट। तो हर आदमी के निजी जीवन में अज्ञात का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा ज्ञात बनता रहता है। और सार्वजनिक जीवन में भी, इस विज्ञान की दुनिया में भी बहुत सारा अज्ञात है, और फिर कुछ डिस्कवरी होती है और एक साइंटिस्ट या एक वैज्ञानिक एक चीज डिस्कवर करता है। गुरुत्वाकर्षण को उसने खोज निकाला, गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी था ना, उसने खोजा, तो वो अननोन से अननोन में था, पहले कहां था अननोन में था, अब वो नोन क्षेत्र में आ गया।
तो इसी तरह से कोई भी क्षेत्र में आप लें, किसी भी फील्ड में लें, किसी भी सब्जेक्ट में लें, ये कॉन्स्टेंटली अज्ञात से याद की यात्रा होती रहती है, ये निजी जीवन में भी और व्यापक जीवन में भी, मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। अब इस पे ध्यान गया कि ये जो अज्ञात का क्षेत्र है ये कम नहीं होता, उधर से आप ज्ञात के क्षेत्र में आता रहता है, लेकिन इस ये कॉन्स्टेंटली आते रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो अज्ञात का क्षेत्र है वो छोटा नहीं होता, वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है। और उसी ये मेरी ये फिर अटकलबाजी हुई, मैं ये मानता हूं कि जो अनसर्टेनिटी है, ये जो अनिश्चितता है, ये उसी अज्ञात के क्षेत्र का एक छोटा सबसेट है, और उस अज्ञात का एक ये इसके थ्रू वो आपको याद दिलाते रहता है कि मैं हूं, मैं हूं। ये अज्ञात का आभास कराने कर होता रहता है, जब जब अनिश्चितता होनी या अनहोनी आपके जीवन में होती है, तो ये एक तरह का संकेत है आपके जीवन में कि अज्ञात का क्षेत्र है, उसको भूलो मत। अनिश्चितता के मार्फत आप अज्ञात को, अज्ञात तो है लेकिन आप उसको उसका आभास कर सकते हैं कि वो है। तो ये जो ये बहुत बड़ी चीज मेरे मुझे इसकी उपलब्धि हुई कि अज्ञात है, अनिश्चितता है, और ये अज्ञात जो है ये अनंत है, और ये ज्ञात और अज्ञात मिलाकर ही, जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए, ईश्वर बोल दो, ब्रह्म बोल दो, जो आपको कहना है वो कह दीजिए, पर ये एक ऐसा है मामला जिस पे आप नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उसी पे नतमस्तक हुआ जाता है जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और है, और आपके जीवन को हर पल प्रभावित करता है। ये धर्मपाल जी से डायरेक्टली नहीं मिला, मैं इस चीज से जोड़ रहा हूं कि जो उन्होंने जो जिस तरफ मेरा इशारा किया, ये साधारण की तरफ, उससे फिर मैंने ये मेरी यात्रा चली। पर इसका एक तरह से मैं श्रेय तो उनको दूंगा, और ये तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी बात मानता हूँ, ये जो मैं बिना श्रद्धा वाला, बिना आस्था वाला आदमी आस्थावान बन गया, वो उसकी यात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, उसका श्रेय मैं धर्मपाल जी को दे रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा और फोकस मुझे लगता है करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि जो साधारण आदमी है हिंदुस्तान का, उसमें ये कैपेसिटी है कि वो अननोन और अनसर्टेनिटीज जो हैं लाइफ में, उसको वो हैंडल करना जानता है, ये अनसर्टेनिटी से विचलित वो नहीं हो रहा है। और जो ये हिंदुस्तान का जो अंग्रेजी आधुनिक पढ़ा लिखा आदमी हो गया है, उसने अपनी थिंकिंग को तर्कशील थिंकिंग में ही वो कर सोचता है, वो अनसर्टेनिटीज से हैंडल नहीं कर पाता जीवन। ये आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं साधारण आदमी में और खास आदमी में, है ना? और मतलब ये मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये साधारण आदमी की एक ताकत है कि वो अनसर्टेनिटी को हैंडल कर पा रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो आस्थावान है, क्योंकि वो आस्थावान है, और उसमें श्रद्धा है ना, मतलब, और श्रद्धा है और उसमें अहंकार नहीं है। निजी आप एक एक को लेंगे तो आप पाएंगे ये भी साधारण, वो भी साधारण, इसमें अहंकार है, उसमें अहंकार नहीं है। हम वो बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। मैं पढ़े लिखे का अहंकार बोल रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष का अहंकार नहीं। हाँ, तो पढ़े लिखे ये अहंकार जो है सर्टेनिटी से आ रहा है कि ये सब कुछ मैं सर्टेनाइज्ड कर सकता हूँ, इस बात से अहंकार अज्ञानता से आ रहा है, अज्ञानता इस बात की कि ये कुछ है नहीं, ये जो कुछ है साइंस हमको बताएगी, या हम सब कुछ जानते हैं, या हम सब कुछ क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। मतलब इसके पीछे कहीं कंट्रोल की बहुत विकट चाहत है कि हम इवेंट्स को कंट्रोल करें, हम फ्यूचर को कंट्रोल करें, हम प्रेजेंट को कंट्रोल करें,
और उसको चलते चलते अब पास्ट को भी कंट्रोल करने लगे, मतलब हाँ। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये उसी से निकलती है ना, पास्ट को कंट्रोल करना है। तो आप नैरेटिव बना देते हैं, खैर मैं हम उसमें नहीं जाते, वो थोड़ा सा अलग बहुत विस्तार का विषय हो जाएगा, लेकिन हम प्रेजेंट को और फ्यूचर को तो कंट्रोल करना ही चाहते हैं। ये सारी योजना, ये सारी नीति, सब ये सारा जो मॉडर्न आदमी, क्योंकि वो आस्था विहीन है तो उसने ये मान लिया है। आस्था विहीन क्यों है? आस्था विहीन इसलिए है कि उसने ये मान लिया है कि और कुछ है नहीं, जो कुछ मैं जानता हूं उतना ही है, और मैं सब कुछ जान सकता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं नहीं जानता हूं तो मेरा भाई जानता है, मैं नहीं जानता हूं तो वो साइंटिस्ट, वो फिजिसिस्ट जानता है, मैं नहीं जानता हूं तो वो डॉक्टर जानता है, इत्यादि इत्यादि। तो हम पढ़े लिखे लोग सब कुछ जानते हैं, और ये जानने की वजह से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, और हमको सब कुछ कंट्रोल करना है, है ना। तो ये कंट्रोल जब, और जब नहीं होता वैसा तो बहुत विचलित हो जाता है। ये कोरोना बहुत, इसको बहुत दृष्टि से देखा जा सकता है, जो आज की क्राइसिस हुई है ये बहुत, इसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया ना। तो ये ठप कोई कोरोना ने नहीं किया है, ये कोरोना के मारे जो आप डर गए उसने ठप किया है। कोरोना बहुत, मैं मानता हूं कि कोरोना बहुत मामूली बीमारी है, और कोरोना के काल में आप देख लीजिएगा साल भर बाद, मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कम लोग मरे हैं, जितने पहले मरते थे हर रोज उससे कम लोग इस दौरान मरे हैं। ये तो एक बहस का हो जाएगा, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है मैं प्रूफ कर सकूं, लेकिन साल भर बाद जब आंकड़े आ जाएंगे डेथ रेट्स के और डेथ्स के, तो आप देख सकेंगे कि टोटल डेथ्स कम हुई है इस दौरान, लेकिन हवा ने इस तरह से हमको ठप कर दिया। तो आस्था जो, ये जो आज का मॉडर्न आदमी है, ये अपनी लाइफ को, दूसरे की लाइफ को, हर चीज को, पहाड़ को, नदी को, हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, इस पूरे समाज को कंट्रोल करना चाहता है, और उसके अलग अलग इसने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, योजनाएं बनाई हैं, सिस्टम्स बनाए हैं, शिक्षा व्यवस्था है, इकोनॉमिक नीतियां हैं, उसने ये सारी की सारी सिस्टम आदमी को कंट्रोल करने के लिए बनाई है, और इसकी दिमाग में ये चीज है, ये मान्यता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं। हमारे जो साधारण है उसमें ये समझ है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये फिर भाषा में हमारी है, ये भारतीय भाषाओं में ही है कि हाँ काम, आप बोलेंगे पवन जी काम हो गया, मैं कहूंगा हर्ष काम हो गया यार, काम हो गया। तो ये हो गया वाली लोग हैं हम लोग, हमारे हर चीज होती है, बच्चा होता है, शादी होती है, हाथ जल जाता है, बारिश होती है, काम हो जाता है, और ये यूरोपियन भाषाओं में, अंग्रेजी में हर चीज की जाती है, द वर्क इज डन, आई डिड द वर्क, someone gets married, someone gives birth to a child, so वहां पे the sense is of doership, you are the doer, यहां पे होता है आप doer नहीं है, आप निमित्त कारण है at most। हमारे यहां ये जो cause effect वाली बात है, इसमें जो cause है वो दो प्रकार के cause माने गए हैं, category, उसकी दो category की गई है, एक category है उपादान कारण और दूसरी कैटेगरी है निमित्त कारणों की। तो जो उपादान कारण है वही फंडामेंटल कारण है, वही फॉर्मेटिव कारण है, और ये निमित्त कारण है वो इंसिडेंटल है, और उसमें एक से अनेक होते हैं, एक नहीं होता वो। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़े बनाने में मिट्टी जो लगती है, मिट्टी को उपादान कारण कहा गया है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो घड़ा बन ही नहीं सकता, मिट्टी की शेप चेंज होकर के घड़ा बन जाता है, पर मिट्टी रहती है, पर घड़ा बनने में कुम्हार भी चाहिए, चाक भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये सब निमित्त कारण है। तो ये डिस्टिंक्शन हमारे यहाँ किया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन किया गया है, ये रैशनैलिटी की बात करते हैं और इसकी बात नहीं करते, है ना। तो ये जो वहां सिर्फ कॉज इज कॉज, यू नो, तो वो कॉज फिर मैं ही हूं, आई एम द कॉज, आई एम द डूअर। हमारे यहां आई एम द कुम्हार, आई एम नॉट द डूअर, आई एम ओनली अ निमित्त कारण,
मेरे बिना भी वो हो सकता है, कोई और कर देगा, कोई मशीन कर देगी, लेकिन क्ले तो आपको चाहिए ही चाहिए, मिट्टी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो डूअरशिप का जो पूरा अहंकार है वो हमारी भाषाओं में इस अनिश्चितता को और डूअरशिप को डाउनप्ले किया गया है और अनिश्चितता को स्वीकारा गया है, इसलिए यहां चीजें होती हैं। और ये हमारे साधारण की इसने दृष्टि का निर्माण किया है, तो वो उसके बहुत सारे मुहावरे बन गए हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कोई डेथ हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो सांत्वना में ये होता है कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारे मुहावरे आप इकट्ठा कर सकते हैं, अनेक भारतीय भाषाओं में मिलेंगे आपको, सभी में मिलेंगे कुछ कुछ इसी प्रकार की बातें, जिसमें कि ये जो हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं, ये भास ये होगा कि ये जो हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं, और जो होता है ठीक है, स्वीकार करो उसको, आगे बढ़ो, स्वीकार करो। तो ये जो इस तरह की चीजें कि चीजें क्षणभंगुर हैं, बहुत एवरलास्टिंग नहीं है, अनिश्चितता व्याप्त है, अनसर्टेनिटी है, अननोन का रोल है, आप डूअर नहीं है, प्राइम डूअर नहीं है, ये सारी चीजें हमारे भाषा में है, हमारे बोलचाल में है, हमारे मुहावरों और कहावतों में, कहानियों में है, सभी भाषाओं में। और ये जो भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, तमिल में भी है, मुझे मतलब पता चला कि तमिल जो संस्कृत से जिसका कोई संबंध नहीं माना जाता है, तमिल में भी ऐसा ही इसी तरह से वाक्य निर्माण है। तो ये जो है ये हमारे साधारण के अंतरतम तक घुसा हुआ है, और पढ़े लिखे के साथ ये वायलेंस हुई है एक तरह की, कि वो अपने आप को डूअर मानता है, वो कंट्रोल करना चाहता है, और जब उसके हिसाब से चीजें नहीं घटित होती तो बहुत विचलित हो जाता है। साधारण विचलित नहीं होता, उसको दुख नहीं होता, उसको परेशानी नहीं होती, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु वो इससे कहीं बेहतर ढंग से डील करता है, इस अनिश्चितता से। उसमें एक स्टोइसिज्म है, एक क्या कहें, तटस्थता उसमें ज्यादा है, हम लोगों में तटस्थता कम है, वो ज्यादा निर्लिप्त है, हम पढ़े लिखे लोग निर्लिप्त नहीं है, हम बहुत अटैच्ड है, वो इतना अटैच्ड नहीं है, रिलेटिवली स्पीकिंग, यू नो। तो ये सारी का ये सब चीजों का संबंध, अगर इनको आप मूल्य कहते हैं, तो इन सब का संबंध उसकी आस्था से है, क्योंकि वो अपने को बहुत बड़ा नहीं मानता, मैं ही करने वाला हूं ये नहीं मानता, तो वो डेफिनेटली वो जो हो रहा है। मैं एक बार कृष्णमूर्ति का एक बहुत हमको अच्छा लगता है, मुझे अभी याद आ गया, मैं बताऊं कि कृष्णमूर्ति एक बार हमने उनका लेक्चर सुना कहीं पे यूट्यूब पे, तो वो बोल रहे हैं, सडनली बात करते करते वो बोलते हैं, डू यू नो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ माय हैप्पीनेस, तो एवरीवन काइंड ऑफ यू नो ही नेवर टॉक्स लाइक दिस, एवरीवन काइंड ऑफ यू नो एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, सब लोग अटेंटिव हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं, I don't mind what happens. I don't mind what happens. This is the common Indian thought process or posture or attitude which we have lost, you know, the educated. ये मैं धर्मपाल जी से इसलिए relate कर रहा हूं कि ये दृष्टि मुझे उनसे मिली, ये बातें जो मैं तुमसे कर रहा हूं ये तो फिर उसका फैलाव है जो उनसे मिला। और वो जो साधारण की जब बात कर रहे हैं, धर्मपाल जी बहुत सम्मान के साथ साधारण की बात सुनते थे, बहुत साधारण, बहुत सम्मान के साथ, बहुत अटेंटिवली सुनते थे उनको, और उनको पता था कि मैं वो ही वॉज वेरी अवेयर कि वो उनमें वो काबिलियत नहीं है कि साधारण के साथ डायलॉग कर सके, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ये भी उनको अवेयरनेस थी, पर वो सुनते थे बहुत, मतलब इंटरप्ट नहीं करते थे, कोई बात कर रहा है तो साधारण आदमी, और अगर उसकी किसी दूसरे से बात हो रही है तो चुपचाप बैठ के सुनेंगे, क्योंकि उनको बात करना उनके साथ नहीं आता था, ये उनको मालूम है।
वो तो दूसरी मोड के आदमी हो गए थे. तो हिज ग्रेटनेस वॉज दैट इवन दो ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन बट ही हैड द अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के कारण वो उसको लांग जाते थे, वो अपनी सीमाओं को एक तरह से. तो अब हम लोग के साथ भी ये संभव है. ये तो बड़ी बात, हम लोग मतलब हम ट्रांसेंड कर, अगर मैं जानता हूं कि भाई मुझे आपसे बात करनी नहीं आ रही है लेकिन फिर भी मैं आपसे एंगेज कर रहा हूं, हाँ ये तो बड़ी बात है. बात इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग यू, हम और आप भी कर सकते हैं. आई मीन वही तो खूबी है ना, दैट इज गिव्स अस होप. नहीं तो ये तो खत्म मामला, आप पढ़े लिखे हो गए तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. यू कैन स्टिल ट्रांसेंड दैट बाय अवेयरनेस. दिस इज वेयर अवेयरनेस कम्स. ठीक है, तो ये बात तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से निकल के आ रही है कि धर्मपाल जी हिंदुस्तान के साधारण आदमी को बहुत ही वैल्यू देते थे. उसका जो मूल्य है, उसका जो विजडम है, और उसकी जो, जैसा आपने कहा, उसकी जो कैपेसिटी है अनसर्टेनिटी को हैंडल करना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है. ये तो मुझे भी लगता है. और धर्मपाल जी के एक्चुअली उनके कुछ किस्सों में ये बात निकल के भी आती है. जैसे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, धर्मपाल जी की ये किताब में इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, शायद ब्यूटीफुल ट्री के इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, हाँ क्लॉड एल्वारिस ये लिख रहे हैं कि धर्मपाल जी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और उसमें भी कुछ लोग उनके साथ सफर कर रहे थे, ऑर्डिनरी गांव के लोग थे. तो उनसे पूछा कि आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो बोल रहे थे कि हम रामेश्वरम से आ रहे हैं, ये ट्रेन दिल्ली जा रही है, फिर दिल्ली से हम हरिद्वार जाएंगे. तो धर्मपाल जी उनसे पूछते हैं कि दिल्ली नहीं घूमेंगे क्या, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट और इंडिया गेट? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है दिल्ली घूमने का, हम तो सीधा हरिद्वार जाएंगे. तो वो क्लॉड उसमें लिखते हैं कि धर्मपाल जी को ये अचंभा हुआ कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, आज़ाद हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली है, लेकिन इन लोगों को दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं है. रामेश्वरम में इंटरेस्ट था, वहां से आ रहे हैं और सीधा हरिद्वार जा रहे हैं, दिल्ली को बाईपास कर रहे हैं. और ये एक, इसको इग्नोर भी कर सकते थे हम लोग, मतलब ठीक है क्या कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो गाँव के यात्री थे. वही बात है ना कि राजा का क्या नाम है, ये वही होगा, राजा का नाम क्या है, होगा कोई असली राजा तो वो है, तो धोगी दिल्ली कुछ, हम तो तीर्थ पे जा रहे हैं, वो ऊंची बात है. तो हमारा मॉडर्न आदमी दो चीजें करता रहता है, या तो इम्प्रेस्ड होता रहता है या इम्प्रेस करते रहता है. ही इज बिजी इम्प्रेसिंग द अदर और गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय द अदर, और ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है. वो इम्प्रेस्ड फिल्म स्टार से हो या कोई पॉलिटिशियन से हो या कोई इंटेलेक्चुअल से हो, इम्प्रेस्ड होते रहते, या किसी बिल्डिंग से हो, हाँ, या कोई चकाचौंध से, साइंटिफिक चमत्कार से हो, मेट्रो से हो, साधारण जो है वो न इम्प्रेस करने में इंटरेस्टेड है और न जल्दी से इम्प्रेस्ड होता है. बात सही. वो अब ही, और क्यों है ऐसा? बिकॉज साधारण इज मोर रूटेड देन वी आर. वो रूटेड है, उसको अपनी जड़ों के साथ उसका संबंध है, और उसकी आस्था, उसका विश्वास इंटैक्ट है. ये आस्था और विश्वास का संबंध जड़ों से भी होता है. आस्था और विश्वास बिना जड़ों के नहीं हो सकती. ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट बात है, रूटेड है वो. हाँ, मुझे याद है, We are uprooted people. मेरे बचपन में जब हमारे यहाँ, हम दिल्ली में रहते थे, हमारे यहाँ जब कोई गांव से आते थे हमारे रिश्तेदार, तो हमको ये लगता था कि वो दिल्ली से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं ये लोग. वो दिल्ली आए हैं लेकिन दिल्ली से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं. अभी जब कोई हमारे गांव से आता है तो दिल्ली से वो बिल्कुल चकाचौंध में इम्प्रेस हो जाता है. पढ़ लिख लिया है ना. हाँ, यही बात है. देखिए खाने की बात ले लो, हम लोग कहीं जाते हैं
मतलब आज का पढ़ा लिखा कहीं जाता है तो आजकल बड़ी बात हो गई कि साहब जहां जाएंगे वहां का खाना टेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अब नए नई चीजें हमको टेस्ट करनी है, हमको उसका स्वाद भी लेना है, उनको उनको चखना भी है वगैरह वगैरह। ये एक साधारण जो होगा वो बोले तो ठीक है तुम खाओ हमको दाल रोटी दे। हाँ। अब इस ये दो दो अलग अलग ट्रेड्स हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रेड्स कहां से आई हमारी। हम तो इसको रूट से जोड़ते हैं कि उसको उसको अपने में विश्वास है, उसको अपने मतलब वो खाने को समझता है हमसे ज्यादा। तो खाने किस लिए है? शरीर को रखने के लिए है, इतनी बात वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और ये शरीर ये खाना ठीक है मेरे शरीर को रखेगा, ये इसमें क्या रखा है? ये तो स्वाद की चीजें जीभ के लिए। तो हम जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन वो उस फिलॉसफी को जीता है, वो जीता है उस फिलॉसफी को, बिना वो बखान नहीं कर पाएगा इस तरह से। तो ये बहुत ऊंचा मतलब इसलिए धर्मपाल जी ये मानते थे कि भारत का साधारण बहुत ऊंचा है। और ये भी उसके साथ एक चीज और वो जोड़ते थे जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमने अपनी व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं में हम और आप जीत रहे हैं, ये राज्य द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं, जो संविधान से निकली हुई व्यवस्थाएं, ये जो व्यवस्थाएं हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आज की टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, इकोनॉमिक व्यवस्था, इसमें जिसमें हम और आप जो अपने को जकड़े हुए हैं, जिसकी जो हमारे जीवन को संचालित किए हुए, घेरे हुए, दबाव डाले हुए कि इस तरह से जियो, ये व्यवस्थाएं भारत के साधारण के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ये उसके विपरीत जाती है, ये उसके 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 साथ टकराव में है। ये अंग्रेजों, और ये तो हम जानते ही हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, ये तो इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं है, व्यवस्थाएं तो वही है, कोई बदलाव नहीं आया, 19-20 का बदलाव आया। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये हमको एक तरफ धकेलती हैं, एक तरफ से चलाना चाहती हैं। हमारा जो साधारण का स्वभाव है, उसकी जो मान्यताएं हैं, वो जिस तरफ उसको ले जाना चाहती हैं, इन दोनों में टकराव है। तो हो क्या रहा है, वो उसका जो पूरा इनोवेटिव पॉसिबिलिटीज है उस साधारण की, उसमें जो क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटीज है, वो खत्म हो गई है। उसमें बहुत बड़ा उसमें व्यवधान आ गया है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो वो एक तरफ तो उसकी क्रिएटिविटी को कोई वातावरण नहीं मिल रहा है कि वो पनपे, वो फले फूले, और दूसरी तरफ इस सिस्टम में वो एकदम अनजान है, वो अपने आप को फुहड़ पाता है क्योंकि उसकी मान्यता और इसके बीच में टकराव है, वो इसको हैंडल करना नहीं जानता। और हम लोग पढ़ लिख करके इस सिस्टम में आ तो गए हैं, लेकिन हम इसको ठीक से चला नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे भी जो हम पढ़ लिख गए, हम तो डिस्टर्ब लोग हैं, अपरूटेड हो गए, तो हमारी ये नहीं हो गए कि हम अंग्रेज बन गए या हम वेस्टर्नाइज हो गए, नहीं, वेस्टर्नाइज ओनली ऊपर ऊपर से हुए, तो वी आर एक्चुअली नाइदर हियर नॉट देयर। हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं बनी है। अंग्रेजी बोल लेना, 3-4 हजार शब्दों का हमारे पास शब्दों का भंडार हो गया, अधिक से अधिक हम अंग्रेजी के कुछ नॉवेल समझ लेते हैं, और ज्यादातर तो हम इंस्ट्रक्शंस सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं, जो नौकरी के लिए इनफ है। एक नौकरी पेशा आदमी को इतनी अंग्रेजी चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन को समझ ले, इंस्ट्रक्शन दे पाए, उसके लिए तो आपको 2-3 हजार शब्दों से काम चल जाता है। तो हमारे असाधारण पढ़े लिखे की भाषा सिमट गई है, 4000 शब्दों की भाषा हो गई है, और जो ये साधारण है उसके शायद शब्दों का भंडार हमसे ज्यादा है, लेकिन उसकी उपयोगिता इस सिस्टम में नहीं है। ये तो वो अटपटा हो गया और हम नाइदर हियर नॉर वाली स्थिति में आ गए। तो फॉर यू नो यू आर नॉट एबल टू मेक एनी हेडवे एनीवेयर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वो भारत के जनसाधारण के लिए नहीं है, वो उसको अटपटा करते हैं, असहज करते हैं।
अब यहाँ पे ये पूछना बनता है मेरा आपसे, ये जो सिस्टम्स हम जिसमें जी रहे हैं, भारत का जो संविधान है जिसकी हम कसम खाते हैं पढ़े लिखे लोग, क्या ये संविधान साधारण आदमी के सहज है, या ये भी संविधान भी उसके लिए अटपटा है और उसको अटपटा करता है? ये तो क्वेश्चन तुम्हारा, संविधान ही तो बेस पे है सारे सिस्टम्स के। हाँ, मतलब आज के सिस्टम्स का कि उनको ताकत कहाँ से मिलती है? संविधान से ही तो मिलती है। हाँ, मतलब जो फाउंडेशन में तो संविधान ही है, तो प्रॉब्लम की रूट तो शायद वही है। अब दूसरी, ये जो हमारा दिमाग बन गया पढ़े लिखों का, और वो जो हम अपना संविधान कहते हैं, वो हमारा संविधान कितना है इस पे तो थोड़ा इसको देखना चाहिए कितना अपना है भाई। ये तो 1935 में जो संविधान अंग्रेजों ने बनाया, जिसमें जिसके तहत ये सारे इलेक्शंस हुए, और कांग्रेस बहुत जगह आई, कई कई जगह मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की शायद एक आध जगह आई, वो जो सारा हुआ था उसी का एक बदला हुआ रूप है, एक संस्कारित रूप है ये संविधान। और ये कैसे बना ये हम सबको पता है, थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो ये तो मतलब जो इसके जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमिटी बनी है, उसमें जो राव साहब थे जो उसके सेक्रेटरी जनरल थे, ये मोटा मोटी तो उनका काम है। उन्होंने, मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने 3-4 जगह के संविधान पढ़े, अंग्रेजों का तो पढ़ा ही, रशिया का पढ़ा और अमेरिका का पढ़ा और शायद एक और जगह का पढ़ा, और वो चारों का कुछ खिचड़ी सी बना दी और पेश कर दिया। और वो जो बहस हुई है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको लेकर के, उसमें एक दामोदर सेठ थे, वो समाजवादी थे, ये सब तो इलेक्टेड मेंबर्स थे ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, सॉरी इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये संविधान हमको बनाने का हक ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत के जनप्रतिनिधि नहीं है, हम नॉमिनेटेड है, हम मनोनीत है। तो अभी आपको एक बार काम चलाओ, कुछ बनाना बना लीजिए, और जब 52 में चुनाव होंगे या जब भी चुनाव होंगे उसके बाद जनप्रतिनिधि आएंगे, उनको बनाने दीजिए। ये बात ठीक थी, लेकिन ये तो हम पे एक तरह से थोपा गया है और इस तरह से चल रहा है ये सब। तो ये तो कोई हमारा संविधान है ऐसा, मतलब जरा सा अतिशयोक्ति होगी ये कहना। हाँ, लेकिन उसका प्रोपोगेशन तो यही होता है कि ये हाँ। अब तो अंबेडकर जी के साथ, उनका डॉक्टर अंबेडकर के साथ उसका जुड़ गया है। हाँ। और मतलब आप कुछ भी बात करें तो वो ऐसा उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे आप अंबेडकर की आलोचना कर रहे हो या अंबेडकर के विरोध में जा रहे हो, वगैरह वगैरह। हाँ। हाँ। तो लोग बिना पढ़े लिखे ये सब बन जाते हैं ना चीजें, ठीक से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत सारी बातें कही है ना इस संविधान के बारे में, वो भी हम नहीं जानते। धर्मपाल जी ने इस पर अच्छा काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो 5 वॉल्यूम सेट है उसमें एक में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसकी कमिटी बनी, क्या क्या उसमें लोग थे, कितनी बार उसकी मीटिंग हुई, उसमें क्या बहसें हुई बनने के बाद, ये सब उसमें निकाला है उन्होंने, वो पढ़ने लायक है। अच्छा। हाँ हाँ, पढ़ने लायक है। मतलब उस जो बहस हुई है और वो जो फॉर्मेशन हुआ है कमेटी का, और कमेटी में जो 17 या 19 सदस्य थे, वो मीटिंग ही नहीं हुई उसमें, उनकी एक बार भी वो सारे के सारे सदस्य मिल नहीं पाए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो सफल पॉसिबल नहीं थी उस टाइम, एक बार भी नहीं मिल पाए। वो तो राव साहब ने उसको किसी तरह करके, और वो फटाफट फिर पंडित नेहरू का उसमें रोल है और वो सब है, वो जब बन गया उसके ऊपर जो बहस हुई है, वो बहस तो बिल्कुल पढ़ने लायक। और बहुत लोगों ने इस पे काम किया है, मैं इस पे बहुत लंबी चर्चा, मेरे पास जो किताब है उस पे, माने ये एक बहुत सारे दुखद हमारे इतिहास का ये भी एक हिस्सा है कि हम कैसे चीजों को क्या हमारी समझ है और क्या सच्चाई है ना, ये दोनों में कितना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हमें इस देश के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये अन्याय कोई 1000 साल का तो जो हुआ वो हुआ ही है, लेकिन उसके बाद भी, आजादी के बाद भी कितने हम भ्रम में रहे हैं और कितना हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये कोई ये यूनिक ही देश है कि इसके साथ अत्याचार पे अत्याचार, अन्याय अन्याय पे अन्याय होते गया, और हमारा एक छोटा सा वर्ग बन गया पढ़े लिखों का,
जो इस देश को मतलब मलाई खा रहा है और मौज कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और उनमें से अधिकांश को तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं है ठीक से बातों का, और जिनको पता है वो उसका बॉदर नहीं करते क्योंकि उनका उनकी चल रही है। मतलब अन्याय तो और देशों में भी हुआ होगा, लेकिन मैं मानता हूं जितना इस देश में हुआ है हर प्रकार का अन्याय, इतिहास का डिस्टॉर्शन से लेकर सच्चाई को छुपाने का काम, हमारे मानसिक तौर पे हमको गुलाम बनाने का काम और हमको भ्रम में रखने का काम, ये कोई मामूली नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ। और इसका बहुत गुस्सा था धर्मपाल जी को, बहुत गुस्सा था, मतलब वो कभी कभी निकल जाता था, मतलब पीड़ा थी, पीड़ा और गुस्सा बहुत मिली जुली सी चीज है ना। गुस्से को एकदम अलग से देखना ठीक नहीं होता, ये जो कई तरह एक प्रकार का जो गुस्सा होता है वो पीड़ा का ही प्रदर्शन होता है, और ये मुझे दिखता था बहुत गहरी पीड़ा थी। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे पूरा करते हैं, एक घंटे से ऊपर ही हो गया है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है एक दो बार हमको और बोलना चाहिए धर्मपाल जी के बारे में। राइट, तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे अभी रोक रहा हूँ मैं।